Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silbi. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं बी अटेंटिव बी एन ऑप्टिमिस्ट लेट स्टार्ट टूडे विल डिस्कस अबाउट पोमोग्रेनेट जो कि बहुत ही कॉस्टली फ्रूट होता है एंड बोटानिकल नेम इसका पुनिका ग्रानाटम एंड बहुत ही टेस्टी भी होता है ये फैमिली पुनिकासी जैसे जस, कि नाम से पता चल गया होगा पुनिका जिन्ना से आया है इसलिए पुनिकासी एंड ये प्रोनिका ग्रानाटम इस बार आई बी पी एस एफ ओ में आया था टू थाउजेंड नाइनटीन पर यह आसान सा सवाल था आ, ये ऑरिजिन कहाँ से हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है आईसीआर जी आर एफ में ईरान और पर्सिया और अफगानिस्तान जो भी ऑप्शन में होगा आप उसे क्लिक करेंगे उसके बाद प्रोमोग्रानी इंट्रोड्यूस अफगानिस्तान मैंने आपको बता दिया एंड इस फ्रूट में आपको बहुत ज़्यादा शुगर मिलेगा ओके फोर्टीन टू सिक्सटीन परसेंट शुगर मिनरल्स 1 and iron थोड़ा सा है। तो फिर इम्पोर्टेंट चीज क्या है इम्पोर्टेंट चीज है एडिबुल मैंगो में एडिबुल मेजो कार्प मिलेगा पर यहाँ पे एडिबुल पार्ट क्या है यहाँ पे एडिबुल पार्ट ना ही एपी कार पे ना ही मेजो कार पे ना ही एंडोकार पे यहाँ पे एडिबुल पार्ट है एरिल जो की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड यूनिक है ओके okay. गुड टेस्ट फ्लेवर अट्रेक्टिव सीड कलर एरिल्लेवर्ड बासोग्रेट एरिल इसको यूज करते हैं हम लेप्रोसी को क्योर करने के लिए एंड दर्क एंड रिंड ऑफ द फ्रूट आर कॉमनली यूजेंट्री एंड डायरिया ओके ये चीजें आप याद रखेंगे बार्क एंड रिंड अगर हम रिंड की बात करें रिंड एक डाय के लिए यूज होता है ओके द रिंड ऑफ द फ्रूट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ डायके कौन सा कलर का डाए? ये चीज आप याद रखेंगे येलो इस ब्राउन कलर ओके रिंड ऑफ पोमोग्रेट येल्लो इस ब्राउन कलर देता है उसका जूस जो कि एरिल का जूस लेप्रोसी के लिए यूज होता है एंड उसका बार का एंड रिंड्री एंड डायरिया के लिए यूज होता है पोमोग्रेनेट का फ्लावर रेड कलर का होता है इसीलिए वो रेड डाय देता है तो प्रोमोग्रेट का रिंड देता है येलो इश कलर बट उसका फ्लावर देता है रेड डाई ये चीज आप याद रखेंगे और टैनिंग इंडस्ट्री के लिए होल प्रोमोग्रेट फ्रूट यूज होता है लैक ऑफ लिग्निफिकेशन ऑफ टेस्टा इज द मेन कॉज ऑफ सीडलेसनेस इन प्रोमोग्रेनेट प्रोमोग्रानेट में आपको सीड नहीं मिलेगा पहले तो अब मैं बता देता हूँ सीड नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि लैक ऑफ लिग्निफिकेशन ऑफ टेस्टा उसके बाद आप पूछोगे टेस्टा क्या है टेगमेन क्या है देखिए टेस्टा एंड टेगमेन आर दी कवरिंग्स ऑफ सीड ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए ओके टेस्टा होता है आउटर कवरिंग एंड टेगमेन होता है इनर कवरिंग तो फिर ये जो टेस्टा है ये जो आउटर कवरिंग है ये बहुत ही थीक होता है मतलब प्रोटेक्टिव लेयर होता है पर टेगमैन थीन होता है एंड टेगमेन पे आपको हाइमेन मिलेगा हाइमेन एक नोज जैसा होता है सीड में ओके ये सब होता है एक्चुअल एक आइडियल सीड में पर पोमोग्रेनेट तो यूनिक है तो यहाँ पे ना तो लिग्निफिकेशन ऑफ टेस्टा है मतलब टेस्टा ही नहीं है तो फिर सीड कहाँ से आएगा उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमोग्रेट ये कहाँ पे है ये है सोलापुर पुणे पे मतलब सोलापुर पुणे के मिडिल पे है जो कि है महाराष्ट्र में ये एक सैलिनिटी टूर्नेट क्रॉप है पोमोग्रेनेट एंड क्लाइमेटिक रिक्वायर की बात करें तो 35 फाइव टू थर्टी डिग्री सेल्सियस इज आइडियल फॉर फ्रूट डेवलपमेंट ओके पोमोग्रेनेट में जब फ्रूट डेवलपमेंट होगा वहाँ पे 35 फाइव टू थर्टी डिग्री सेल्सियस इज गुड पोमोग्रेट एक हार्डी फ्रूट है ओके क्योंकि सालिंडी टोलरेंट क्रॉप है ड्रॉट टोलरेंट क्रॉप है तो फिर हम उसको हार्डी बोल सकते हैं पोमोग्रानेट इज ए हार्डी क्रॉप एंड इट कैन ग्रो अप टू एटीन मीटर इतना अल्टीच्यूड में भी ग्रो कर सकता है पोमोग्रेनेट एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैंने बता चुका हूँ फ्रूट डेवलपमेंट में आपको ड्राई क्लाइमेट एंड हॉट क्लाइमेट चाहिए होगा मीन्स अराउंड 35 फाइव तो टू थर्टी डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर चाहिए होगा फ्रूट डेवलपमेंट में आ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी सोचते हैं हम तो कॉमन पीपुल सोचते हैं कि पोमोग्रेनेट एक टेम्परेट फ्रूट है पर यह सरासर गलत बात है टेम्परेट फ्रूट नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए फ्रूट डेवलपमेंट के लिए टेम्परेट टेम्परेट सीजन में अगर क्लाइमेट की बात करें हिमाचल प्रदेश लादाख कश्मीर तो वहां पे 38 डिग्री सेल्सियस तो कभी भी नहीं आता इसीलिए प्रोमोग्रेट एक ट्रोपिकल एंड सॉप ट्रोपिकल क्रॉप है ये आप याद रख लीजिए अंडर सॉप ट्रॉपिक इट इज डेडियस वाइल्ड इन ट्रॉपिक्स इट इज एवरगिन देखिए ये एक बहुत ही यूनिक बात है बहुत सारी यूनिक बात आप पोमोग्रेट में मिलेगा एक तो प्रोमोग्रेट में आ, जो रिंड है उसका कलर अलग है फ्लावर का कलर अलग है एंड जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फ्रूट डेवलपमेंटमेंट के लिए 38 एइट डिग्री सेल्सियस चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा है आराम। एंड इट इज ये हारी क्रॉप ड्रॉट टोलरेंट सालनी डिटोलरेंट और एक चीज अगर सॉफ्ट ट्रोप सब ट्रोपिकल कंडीशन में देखे पोमोग्रानेट बिहेव करता है डेसीडियस की तरह मतलब सारे के सारे पत्ते उसका झड़ जाएंगे पर अगर ट्रोपिकल कंडीशन की बात करें वो बिहेव करता है एवरग्रीन की तरह ओके देर फोर इट इज कंसिडर दैट पोमोग्रेट इज ए हार्डी फ्रूट जैसे कि मैंने बोला पोमोग्रेनेट एक हार्डी फ्रूट है तो फिर देख सकते हैं इट कैन टोयलेट स्लाइटली अल्कालसन की बात करें सब में ऐसा ही होता है अगर हम सीड से प्रोपागेट करते हैं तो फिर वेरिएशन आ जाएगा जो कि अच्छा नहीं है इकोनॉमिकल एंड मार्केट डिमांड के हिसाब से सो so, वेजिटेटिव मेथड को हम प्रीफर करते हैं तो वेजिटेटिव मेथड में कौन कौन सा मेथड हार्ड रूट स्टेम कटिंग एयर लेयरिंग एंड रूट सकर आर द इम्पोर्टेंट मेथड्स पर इनमें से अगर हम बात करें जो कि इंडिया में कमर्शियली प्रोपागेट करते हैं हम हार्ड उड स्टेम कटिंग ये चीज आप याद रखेंगे स्टेम कटिंग बस याद रखिए आपको जब ऑप्शन में दिखेगा आप क्लिक कर देंगे स्टेम कटिंग इज द प्रोपेगेशन मेथड फॉर प्रोमोग्रानेट फ्रूट हमें पता तो चल गया स्टेम कटिंग एयर लेरिंग रूट सकर द प्रोपेगेशन मेथड ऑफ प्रोमोग्रानेट पर कैसे होता है यह चीज भी जानना चाहिए अगर हम स्टेम हाँ, कटिंग की बात करें जो की बहुत ज्यादा प्रैक्टाइज होता है इंडिया में तो फिर एक वन ईयर ओल्ड उड को आप सिलेक्ट करना है कोई भी ब्रांच ले लीजिए जो कि वन ईयर ओल्ड होगा वहां से एक 20 टू 25 सेंटीमीटर लॉन्ग आप एक कटिंग करेंगे आपको पता ही होगा जनरल कटिंग कैसा होता है तो उसी कटिंग को लेके आपको आईएए 200 पीपीएम सॉल्यूशन में डिप करना है आईएए मतलब आपको पता ही होगा इंडोल एसिड एक ऑक्सिन है रूटिंग मीडिया आप बोल सकते हैं और 50 पीपीएम सॉल्यूशन ओनली बासाल पार्ट को आप डिप करेंगे टोटल अगर डिप करना चाहें तो फिर 200 हंड्रेड पीपीएम ले सकते हैं क्योंकि 200 हंड्रेड पीपीएम थोड़ा ज्यादा कंसनट्रेट है और ये अच्छा काम करेगा अगर सिर्फ बासाल पार्ट आप डिप करना चाहते हैं उस कटिंग का तो फिर 50 पीपीएम ले जाएंगे तो फिर चल जाएगा अराउंड 18 आवर्स ओके सो फिर ऐसा करने से रूटिंग बहुत ही ज्यादा हो जैसे कि मैंने बोला ये एक रूटिंग मीडिया है रूट तो ग्रोथ रूट तो, इनिशिएशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ओके okay. देन आते हैं एयर लेयरिंग जो लोग एयर लेयरिंग करना चाहते हैं एयर लेयरिंग तो आपको पता ही होगा मैं एयर लेयरिंग का प्रोसीजर नहीं बताऊंगा सिर्फ बताऊंगा कि वो जो लेयरिंग करने के बाद आपको उसे ट्रीट करना है 10,000 थाउजेंड पी इंडोल ब्यूटरिक एसिड से मतलब वही ए आई ए ए जो जिसे मैंने पहले लिखा है ओके इन लाल पेस्ट ओके रूट सकर की बात करें देखिए रूट सक्कर का बहुत सारे पहले तो आपको रूट सक्कर ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि रूट सकर बहुत ही सेंसिटिव होता है एंड ये सिर्फ आपको मिलेगा सिंगल स्टेम ट्रेनिंग में याद रखिए, ये बहुत ही टेक्निकल चीज है अगर आप सिंगल स्टेम प्रूनिंग करते हैं पोमोग्रानेट पे तो फिर आपको रूट सकर मिलेगा ज्यादा और रूट सकर ज्यादा होगा तो बुसी अपियरेंस हो जाएगा वो जो एरिया में बुसी अपियरेंस हो जाएगा जो कि अच्छा नहीं है कुछ भी हो सकता है कोई भी इंसेक्ट पेस्ट वहाँ पे ग्रो कर सकता है इसीलिए रूट सकर तो आपको ज्यादा नहीं रखना है एंड रूट सकर की अवेलेबिलिटी तो एक कम है एंड रूट सकर की सक्सेस रेट भी मीडियम है इसीलिए हम प्रिफर करते हैं स्टेम कटिंग का ना नाम आते हैं वेराइटी पे एक बार आई सी में आया था वेदना आया था वेदना वेराइटी ऑफ क्रॉप बहुत सारे क्रॉप का नाम था वहां पे था पोम ओके तो फिर आपको पुम पे क्लिक करना है तो फिर जानते हैं कॉमर्शियल कौन सा कौन सा वेराइटी है वागवा वेदना जोधपुर रेड ढोलका देखिये रोड रेड ढोलका गुजरात का एक फेमस वेराइटी है ढोकला आपने सुना ही होगा आ, आप रिलेट कर लीजिए गणेश आलंदी मुस्कटरेट ज्योति, देखिए रेड ऐसा बोलाते हैं मतलब रेड रेड क्योंकि उसका जो एरिल होता है वो रेड कलर का होता है जो उसका फ्लावर भी रेड कलर डाय देता है इसीलिए ओके ये चीज नहीं आएगा आएगा तो क्या हार्ड सीड वेराइटी सॉफ्ट सीट वेराइटी एक बार बेदना आया था तो फिर ये, इसको आप रख लीजिए बेदना ए वेरायटी ऑफ पोम ओके देखिए हार्ड सीट वेराइटी की बात किया जाए तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा रेड कंधारी एंड काबुल काबुल हां ये वेराइटी काबुल मुझे पता है ये कैपिटल है अफगानिस्तान का देखिए अफगानिस्तान से ये आया था पोमग्रेट इसीलिए आप इजीली रिलेट कर सकते हैं काबुल ओके नेक्स्ट आते हैं सॉफ्ट सीटेड वेराइटी पे पेपर सेल देखिए पेपर बहुत ही सॉफ्ट होता है आप याद रख लीजिए गणेश ढोलका एंड स्पेनिश रूबी ये रूबी के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक हाइब्रिड है पर आप याद रखिए सॉफ्ट सीडेड वेराइटी में कौन कौन आता है पेपर सिल गिश रूबी कुछ हाइब्रिड वेराइटी की भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हाइब्रिड वेराइटी का भाई आने का चांसेस है एग्जाम में पहले तो मृदुला नाम से पता चल गया होगा ये महाराष्ट्र से रिलीज हुआ था मृदुला ये एफ वन प्रोजेन ऑफ गणेश एंड गुलसा रेड ये चीज आप याद रखें गणेश क्रसेस गुलसा रेड इक्वल टू मृदुला वेराइटी देन आते हैं रूबी रूबी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेरायटी है और इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेरायटी तो एक ही इंस्टीट्यूट डेवलप कर सकता है आई आई एच बैंगलोर ओके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो कि बेंगलोर में है ये कॉम्प्लेक्स वेराइटी है मतलब गणेश कैबुल एयरकार्ड एंड गुलसे ओके okay? रोज पिंक वेराइटी ये सारे के सारे मिक्स होके मतलब क्रस करके डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिड लेके क्रस करके एक हीट एंड ट्रायल मेथड में रूबी मिला है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित हुआ है इंडिया कंडीशन में बहुत ही अच्छा फ्रूट देता है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का देता है ओके हाँ तो फिर उसके बाद प्लांटिंग की बात, बात करें पीट्स तो आपको न, मतलब सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर की हुई है तो कॉमन है ओके देखिए इं, देखिये इम्प्रूवड वेराइटी अगर आप ले रहे हैं तो फिर आपका स्पेसिंग थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए क्योंकि इंप्रूव्ड वेरायटी आप ले रहे हैं मतलब ये थोड़ा विगरीअसली ग्रो करेगा इसका थोड़ा ब्रांचिंग ज़्यादा होगा इसका फ्रूट ज्यादा आएगा क्वांटिटी में ज्यादा आएगा क्वालिटी अच्छा होगा इसीलिए थोड़ा स्पेसिंग ज्यादा करना पड़ेगा फाइव इंटू फोर मीटर यह स्पेसिंग आपको देना पड़ेगा देखिए फॉर हायर ईल्ड अगर आप थोड़ा फोर टू फाइव ईयर में आपको ज्यादा ईल्ड चाहिए तो फिर आपको ज्यादा प्लांट लगाना पड़ेगा क्योंकि फोर टू फाइव ईयर में इतना ज्यादा ब्रांचिंग नहीं होगा वो प्लांट का पोमोग्रेट प्लांट का इसीलिए फोर टू फाइव ईयर में आप जो स्पेसिंग है वो कम कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा प्लांट लगाएंगे ब्रांचिंग भी कम होगा और आपको एड भी ज्यादा मिलेगा ये एक बहुत ही अच्छा है उसके बाद क्या होगा जब फोर टू फाइव ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ब्रांचिंग बहुत ज्यादा हो, होने शुरू हो जाएगा प्लांट पे बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा प्लांट तो फिर आपको अल्टरनेट प्लांट्स को रिमूव करना पड़ेगा नहीं तो कंजेस्टेड आ जाएगा ईल्ड तो दे रहा होगा पर ईल्थ स्लोली स्लोली डिक्रीज होगा कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर ये बुरी चीज़ आ जाएगा आफ्टर फोर टू फाइव ईयर इसीलिए फोर टू फाइव ईयर के बाद आपको अल्टरनेट प्लान को रिमूव करना होगा स्पेसिंग फाइव इंटू फोर जो कि आइडियल था उसको मेंटेन करना पड़ेगा ये चीज़ तो आप याद रखेंगे फोर टू फाइव ईयर तक आप स्पेसिंग फाइव इंटू टू मीटर दे सकते हैं पर फोर टू फाइव ईयर के बाद आपको स्पेसिंग वही आइडियल पे लाना है फाइव इंटू फोर मीटर देखिए यहाँ पे फाइव इंटू टू मीटर है फाइव इंटू फोर अगर आप करना चाहेंगे तो फिर अल्टरनेट प्लांट को आप रिमूव कर सकते हैं तो फिर फाइव इंटू टू हो जाएगा फाइव इंटू फोर ये चीज याद रखेंगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ है ये स्पेसिंग को लेकर इंडियन कंडीशन पे ये साबित हुआ है कि थ्री इंटू टू पॉइंट फाइव और फोर इंटू टू मीटर ओके ये मैं बात कर रहा हूँ हाई डेंसिटी प्लांटेशन की अच्छा इकोनॉमिक ईल्ड दिया है गुड क्वालिटी फ्रूट्स हुआ है पर यह एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस है देखिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस को आपको एग्जाम में नहीं क्लिक करना आपको अगर आता है तो फिर आप फाइव इंटू फोर क्लिक करेंगे क्योंकि ये आइडियल कंडीशन है ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस में हम कह चुके हैं प्रैक्टिकली जब अप्लाई होगा उसके बाद हम उसको सर्टिफाइड करेंगे फॉर जान लीजिए प्लांटिंग डिस्टेंस थ्री इंटू टू पॉइंट फाइव मतलब बहुत क्लोजली एंड फोर इंटू टू ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस में हुआ है This is the end of lecture or part one. Part two will come soon. If you have any doubt, go for comment section, comment me, I will definitely answer you and subscribe this channel. So that you will get videos in time. Otherwise you will be late. Safety to save life. All the best for your exam. Thank you.